आगे कुआं पीछे खाई, ऐसी ही कुछ मुसीबत फाल्गुनी के सामने एक बार फिर से आई। जी हाँ, सीरियल जीजी माँ में फाल्गुनी जहाँ एक ओर कर रही है शेर का सामना, तो वहीं दूसरी ओर वो गुंडों से बचा रही है अपनी जान भी। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि रावत परिवार पहुंचा है जंगल में पिकनिक मनाने, जहाँ फाल्गुनी को पता चलती है गाँव के बच्चों की तस्करी की सच्चाई। बस फिर क्या था, बिना कुछ सोचे समझे फाल्गुनी और नियति पहुंच जाती है उन बच्चों को गुंडों के चंगुल से बचाने, जहां फाल्गुनी का सामना होता है शेर से। हाँ, जो सोचो अगर सामने आपके टाइगर खड़ा हो और आसपास आपका कोई हेल्प करने वाला ना हो तो क्या हालत होती, वैसी हालत इस हो गई पे थी। मेरा एक क्वेश्चन है फाल्गुनी से, ऐसे फ्रीज हो जाती है मेरा फाल्गुनी। एक क्वेश्चन है, सॉरी मैं, लेकिन मुझे मेरी बात का जवाब देना। तुम कह रहे हो शेर जब आता है तो फ्रीज हो जाती है, मुझे इतना बताओ जब तुम्हारे मेकअप रूम में छिपकली आती है तब तुम्हारा क्या हाल होता है? तो हमारा पता क्या हाल होता है, ये इतना चिल्लाते हैं जब अगर किसी छिपकली या कॉकरोच दिख जाए, और ये मैडम यहाँ शेर से लड़ने आई है, मतलब क्या क्या रेप्टाइल चाहती से डर लड़ने? लगता है ना, वो तो रेप्टाइल शेर तो होने मतलब इतना वजन वाला और इतना खतरनाक होता है, इंसान को खा जाता है वो, छिपकली तो कुछ कहती भी नहीं है। फाल्गुनी को छिपकली से डर नहीं लगता, तन्वी को छिपकली से डर लगता है। सुयश के लाख मना करने के बावजूद भी फाल्गुनी नहीं मानी, जिसकी वजह से फाल्गुनी का सामना हो गया है इतनी बड़ी मुसीबत से। आइए खुद सुयश से ही जान लेते हैं इस कहानी के बारे में। मैं बेसिकली एक रावत रेखा बनाता हूँ और बोलता हूँ कि ये रावत रेखा क्रॉस मत करना जब तक मैं वापस नहीं आऊँ, लेकिन ये मैडम किसी की कभी सुनती नहीं है और ये चली जाती है। क्या तुम्हारी वो लाइन क्या पर्टिकुलर ली थी, जो पतिव्रता पत्नी, पतिव्रता पत्नी हूँ कि मेरे पति वापस से आए तो मैं बचाऊंगी उन्हें। तो ये मैं वापस आता हूँ और मैं देखता हूँ फाल्गुनी नहीं है और पूछता हूँ, तो वो मेरे पीछे पीछे जंगल में कहीं चली गई है मुझे ढूंढने के लिए, और फिर पता चलता है जंगल में कहीं लॉस्ट हो चुकी हैं, शेर इनको मिल गया, इनका एक नया फ्रेंड और उससे फ्रेंडशिप कर रही हैं। फिर मैं एक गैंग पकड़वाती हूँ, क्योंकि शेर शेर करके सब जो गांव वाले डरा रहे हैं एक्चुअली वो एक गैंग है जो बच्चों को किडनैप कर रही है, तो उसको मैं पकड़वा देती हूँ। शेर भी मेरा फ्रेंड बन जाता है और हम दोनों मिलके गुंडों को मारते हैं। वहीं इस चाल की रानी यानी कि उत्तरा देवी भला कैसे फाल्गुनी के रास्ते में रोड़ा ना खड़ा करती, तो लीजिए उत्तरा देवी गुंडों के पास पहुंच जाती हैं, जहां वो उन्हें फाल्गुनी की सच्चाई बता देती है। भाई ये तो पिकनिक वाली है, रुक जा, इसको तो यही मार दूंगा। अगर मुझे मारोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। हमारी मदद? ये तो पिकनिक मनाने आई है ना, आग जा रही तो मारी जाएगी मेरे हाथ से। क्यों भागू? जब इसने वो शेर वाली कहानी सुनाई थी ना, तभी मुझे पता चल गया था कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। अब मैं जो कह रही हूँ, मेरी बहू को पता चल गया है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। आज तुम्हारा सत्यानाश होने वाला है। अब गुंडों को सच्चाई का पता चलने के बाद वो कैसे चुप रह सकते थे, और आखिरकार उत्तरा देवी भी तो यही चाहती थी कि ये खतरनाक गुंडे बन जाएं फाल्गुनी के जान के दुश्मन। तेरी बहू कहाँ है वो? उसी झोपड़े में जहाँ तुमने बच्चों को कैद करके रखा है। अब तक तो शायद उसने बच्चों को रिहा भी कर दिया होगा और उन्हें लेके भाग उधर फाल्गुनी बच्चों को बचाकर अपने साथ ले जा रही होती है कि फाल्गुनी का हो जाता है गुंडों से सामना। बच्चे कहाँ हैं? सुरक्षित हैं, अब तुम्हारे हाथ में है। कुछ देर में पुलिस यहाँ आएगी और तुम सब सलाखों के पीछे होगे। तो झांसी की रानी है क्या हैं, जो बच्चों को आजाद कराएगी? आज रात सरहद के पार ले जाना है, सबको बेचना है। शर्म नहीं आती तुम्हें? मासूम बच्चों की तस्करी करते हो? वो बच्चियां हैं किसी माँ की बेटियां, तुम भी उसी माँ से पैदा हुए हो ना? चुप चुप, एकदम चुप। और ये खतरनाक गुंडे कर देते हैं फाल्गुनी पर अटैक, लेकिन फाल्गुनी भी इन गुंडों से डरती नहीं है और करती है सबका बहादुरी से सामना, और आखिर में माता रानी की कृपा से गुंडों का हो जाता है बुरा हाल। भूल जाओ कि उन बच्चियों से तुम कुछ कमा पाओगे, तुम सबका प्लान फ्लॉप होगा। मेरी चाल यदि फेल हुई ना और बच्चियों को सरहद पार नहीं ले गया ना, तो तुझे बेचूंगा सरहद पार, तुझे। दिखने में तो तू बहुत खूबसूरत, बहुत ज्यादा अच्छे दाम मिलेंगे तेरे, बीच बाजार में होली लगाऊंगा तेरी, बीच बाजार में।
वेल, यहाँ तो उत्तरा देवी की चाल कामयाब होने से पहले ही फेल हो गई, लेकिन अब देखना ये होगा कि कहानी में आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। मुंबई से पूजा तिवारी की रिपोर्ट, E24।